नमस्कार दोस्तों, आपने बैसाखी के बारे में तो जरूर सुना होगा। बैसाखी का त्योहार रंग रंगीला होता है और जो त्योहार रंग रंगीला होता है वह अपने में दूसरे को ढाल लेता है। ऐसा माना जाता है कि ये खरीफ फसल पकने के कारण ही लोग खुशियों से मनाते हैं। सबसे ज्यादा ये त्योहार सिखों का माना जाता है। वैसे तो भारत पूरे वर्ष में मनाया जाता है, लेकिन सिख धर्म के लोग गोविंद के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और माना जाता है कि इस दिन यदि किए गए कार्य आपके सफल माने जाते हैं और खरीफ फसल पकने के लिए खुशी से ये त्योहार मनाया जाता है। आज जानते हैं बैसाखी के बारे में। माना जाता है बैसाखी का त्योहार बहुत ही रंग रंगीला होता है। इस दिन यदि आप भोग लगाते हैं या फिर स्नान करके आते हैं तो वह शुभ माना जाता है। एक बात और कही गई है कि बैसाखी के दिन माँ गंगा जो धरती पर पहली बार आई थी, इसलिए भी यह त्योहार सबसे खास माना जाता है। बैसाखी के दिन अगर यदि आप गंगा नदी में स्नान करते हैं तो ऐसा करने से आपके जितने भी पाप किए हैं वह सारे के सारे शुभ कार्य में परिवर्तित हो जाते हैं और आपको उसके अगले जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य और सफलता मिलती है। सम्मान के साथ साथ यह त्योहार मनाया जाता है। बैसाखी का त्योहार बहुत ही खूबसूरत पर्व माना जाता है। कहा जाता है यह त्योहार सभी देशों में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से। जैसे कि रोगाली है जो असम में मनाया जाता है बिहू के रूप में, लेकिन उसे भी हम बैसाखी का त्योहार ही कहते हैं। बैसाखी का त्योहार नया वर्ष माना जाता है। जिस फसल को वह उगाते हैं तो उससे वह चिंता मुक्त हो जाते हैं। वह फसल पक चुकी है और पकने के बाद वह उससे चिंता मुक्त हो चुके हैं और चिंता मुक्त होने के साथ साथ वह उस फसल के उपजाऊ के लिए बहुत ज्यादा प्रतीक माना जाता है। इसलिए बैसाखी का जो त्योहार होता है वह किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन फसल से जितनी भी चिंताएं होती हैं वह सभी दूर हो जाती हैं और किसानों के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर कोई लोग गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो कुछ मंदिरों में। गुरुद्वारे में जाने के बाद गिद्दा पाते हैं, भंगड़ा करते हैं और खूब मजे से इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। इस दिन सबसे ज्यादा सिख लोग अपने इस त्योहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सिख धर्म के लोग यानी कि गुरु गोविंद जी का जन्म दिवस इसी दिन मनाया जाता है। इसी दिन वह अपने भंगड़ा पाकर अपनी खुशियाँ दूसरों के सामने जागृत करते हैं और यह बैसाखी का त्योहार रंग बिरंगा और रंगीला माना जाता है। इसलिए सभी लोग रंग रंगीले कपड़े पहनकर भांगड़ा पाते हैं, गिद्दा पाते हैं और सभी इसमें लेडीज हो या जेंट्स हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी इसमें शामिल होते हैं। तो यह है बैसाखी का त्योहार। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।